देखिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का है उसमें अटैच करने हैं। फर्स्ट है नंबर 9 पर, ये आपने डॉक्यूमेंट अटैच जो करना है। अगर आपकी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन बेशक आपकी शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ओबीसी है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक, फिजिकली हैंडीकैप है, अगर और भी कोई, जैसे यूजीसी ने तो वो लगा रखी है ना, एक वीडियो में मैंने बताया है, आप ये देख सकते हो, इसमें दोबारा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक होनी है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 का ये 3.4 का ये रिलैक्सेशन का पॉइंट है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, उसमें शामिल कौन कौन से हैं, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो आपको इसका सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है, क्योंकि इसकी रिलैक्सेशन 5% की आपको मिल रही है इन एलिजिबिलिटी। अगर इसकी रिजर्वेशन में भी आप आते हो, एक क्लासिफिकेशन में है, तो भी आपको इसका डॉक्यूमेंट अटैच करना है। वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, और डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोको मोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग, उसमें कौन कौन सी शामिल है, सेरिब्रल पाल्सी, लिप्रोसी क्योर्ड, ड्राफ्टिज्म, एसिड अटैक विक्टम्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम अमंगस पर्सन ए टू बी, चलो ये कैटेगरी होगी। इस कैटेगरी में किसी में भी आप आते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है। ये बात तो यहां से क्लियर हो गई है। वापिस चलते हैं फॉर्म पर। इसके अलावा आपको फर्दर आपने लगाना है मैट्रिकुलेशन, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, उसकी जो है डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, दोनों ही आप साथ में फोटोस्टेट अटैच कर सकते हो। पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन का, क्योंकि ग्रेजुएशन की परसेंटेज आपकी साथ में लगनी है, दैट इज व्हाई डीएमसी इसका जरूर चाहिए, डीएमसी जरूर चाहिए इनका, और पोस्ट ग्रेजुएशन का 100% डीएमसी जरूर चाहिए, ठीक है। साथ में डिग्री भी लगा सकते हो, एमलिट है या एमफिल है, पीएचडी है उसकी पूरी डिग्री आपकी, नेट पास का, एनी अदर एग्जामिनेशन, अगर आपने एडिशनल कोई मान लीजिए इग्नो से गाइडेंस एंड काउंसलिंग या टीचिंग रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है उसका अटैचमेंट जरूर साथ में लगाइए, और पंजाबी आपने पास की हुई है, अगर एक्स्ट्रा पास की हुई है, 10th में नहीं है तो उसका जो सर्टिफिकेट है आप अटैच करेंगे। देखिए, टीचिंग एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट जो है फोटोस्टेट उसके साथ में लगेगी, क्योंकि वेटेज इसको प्रेफरेंस मिल सकती है। दूसरा, अगर प्रिंसिपल के लिए हो डेफिनेटली वो तो लगेगी लगेगी हर हालत में, क्योंकि वहां टीचिंग एक्सपीरियंस 15 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए हर हालत में जरूरी है। वो 15 साल रेगुलर के हैं, अप्रूव्ड हैं, यूजीसी नेट के बाद हैं, यूजीसी नेट से पहले हैं, अडॉप पर हैं, प्राइवेट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पर हैं, गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट में हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं, ये सारे की किसको प्रेफरेंस मिलेगी ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपने जितने भी टीचिंग जो एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली आपके कॉलेज लेवल की टीचिंग को प्रेफरेंस मिलेगी, स्कूल लेवल की को डायरेक्टली कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती। कि जब भी कोई पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट लेवल का टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो नेक्स्ट हो गए आपने टीचिंग एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट लगाने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है आपका कोई भी, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कौन कौन सा हो सकता है, आपका एचओडी का है, डीन का है, ओके, जो टीचर्स हैं, टीचर इंचार्ज, ये कहां से शब्द उठाया है, यूजीसी रेगुलेशन में जो शब्द यूज किए हैं, एपीआई स्कोर में कैलकुलेट होते हैं, वहां टीचिंग इंचार्ज की ड्यूटी आपने, किसी एक्टिविटी के इंचार्ज की ड्यूटी भी आपने दी है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपने ऑफिशिएट किया है, आपने जो वाइस प्रिंसिपल के तरह पर काम किया है, प्रिंसिपल की तरह काम किया है, उसका सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है।
ये डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं है, हल्के होते हैं, दैट इज वाई अटैच करने हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका, इसके आपके सर्टिफिकेट चाहिए, जो तो आपका पोस्ट डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट आप पीएचडी करवा रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन लेटर होगा, आपके स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन लेटर, एक तो एनरोलमेंट लेटर होता है, एक रजिस्ट्रेशन लेटर होता है कि आपका जो वो एक टाइटल है पीएचडी की प्रॉब्लम है वो अप्रूव हो चुकी है पैनल से, यूनिवर्सिटी से पास हो चुकी है, तो वहां से क्लॉक आपका शुरू हो जाता है पीएचडी का, तो वो लेटर होता है वो आप साथ में अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट अपने जो जहां पर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है आपका, अगर जेआरएफ का है तो आप उसका डॉक्यूमेंट है वो साथ में अटैच कर सकते हो, अदरवाइज अपने एचओडी से लेके कि आप जेआरएफ का एक्सपीरियंस ले चुके हो या लिया है उसका डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। इसके अलावा टोटल रिसर्च का कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास है एक्सपीरियंस का वो साथ में अटैच कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट की अप्रूवल जो हुई है उसको साथ में अटैच कर सकते हो। सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट नंबर ही भरने हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के 50 60 100 भी कईयों के हो सकते हैं, तो ऐसी बल्क वाली चीजें वहां मत भेजिए। हाँ उसके नंबर जरूर बताएं, कैटेगरी जरूर बताएं, स्पॉन्सर्ड बाय जिनका है यूजीसी आईसीएसएसआर है, ऐसे नेशनल बॉडी है या इक्विवेलेंट एजेंसी है उनसे स्पॉन्सर्ड है, फंडेड है, वो सेमिनार है वो ब्रैकेट में साथ में लिखे होने चाहिए आपको, साथ में उसकी कोई डॉक्यूमेंट मत अटैच कीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बल्कि हो सकता है पब्लिकेशन, इसकी वेटेज भी मिलती है, एपीएस 4 में भी है सब बुक्स, रिसर्च पेपर, आर्टिकल और एनी अदर पब्लिकेशन। मैंने ये खुद की जो बना रखी है लिस्ट, आप ऐसे इसी टाइटल से आप बना लीजिए, जैसे ये पब्लिश्ड पेपर्स इन जर्नल्स हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर रख लिया है, इसको टाइप कर लीजिए टाइटल विद पेज नंबर, ठीक है। उसके नीचे टाइटल किसका, जो मेरा आर्टिकल छप, एटीट्यूड ऑफ स्कूल टीचर टुवर्ड्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन रोल ऑफ जेंडर वॉल्यूम, ये लिखा है साथ में इंफॉर्मेशन जो देनी है, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है, ये रहा नंबर, और ये कब छपा है और ये किस पेज पर छपा है, ये टाइटल विद पेज नंबर यहां पर आप लिख लीजिए वॉल्यूम भी, ठीक है, और नंबर भी और पेज नंबर भी और टाइम जो है वो भी साथ में डाल दीजिए, जर्नल कौन सा है उसका नाम चाहिए, ठीक है, पूरा नाम, आईएसएसएन नंबर, आईएसबीएन नंबर, आईएसएसएन नंबर है वो नॉन जो नॉन पीयर रिव्यूड है उस कैटेगरी में आते हैं, इसके मार्क्स कम होते हैं लेकिन होते हैं, वेदर पीयर रिव्यूड इंपैक्ट फैक्टर इंडेक्स्ड, पीयर रिव्यूड या इंपैक्ट फैक्टर या इंडेक्स, इसको यूजीसी लगभग सेम कैटेगरी में मानती है, आपने ये बताना है यस और नो, जैसे मेरा ये इंपैक्ट फैक्टर या पीयर रिव्यूड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन करनी उनके लिए इजी रहती है, ये बहुत बड़ा काम होता है। नंबर ऑफ को ऑथर कितने हैं आप, एक जने का लिखा हुआ है या दो जने का, सिंगल ऑथर है, वेदर यू आर मेन ऑथर, यस, ये एपीआई स्कोर है, इसको खाली छोड़ दिए, इसको आप मत फील कीजिए, आप यहाँ स्पेस बना दीजिए, हाँ ये जो कैटेगरी है कैटेगरी वाइज आप अपने जर्नल की टोटल लिस्ट दे सकते हो, इधर आ गए आपके कितने जर्नल है, कौन सा कहाँ कैसे छपा हुआ है, टोटल इंफॉर्मेशन आ रही है, टोटल नंबर ऑफ, ये लिस्ट से ही सारा हो जाएगा फाइनल। ये मेरी काफी पुरानी है, 47 है, ऐसे ही बुक्स की पब्लिश जितनी है आपकी, एज ए सिंगल ऑथर है जो मेरी वो वाली है, सीरियल नंबर, टाइटल विद पेज नंबर के टाइटल क्या है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन नेचुरली पंजाबी में है, वहां आप एड कर सकते हो यहाँ पर एक के जो है लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज कर सकते हैं, जैसे ये पंजाबी में है लिखी हुई, ठीक है, टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक, ऑथरशिप टेक्स्ट बुक है, ठीक, आपका आईएसबीएन नंबर ये जरूरी है, वो जरूर देना है हर हालत में, पीयर रिव्यूड है नो नहीं है, को ऑथर साथ में है नहीं है, वेदर यू आर मेन ऑथर, यस मैं मेन ऑथर हूँ, एपीआई में इसके 25 मार्क्स बनते हैं, ठीक। तो ऐसे आपकी एक और बात, अगर आपकी सेम बुक है आपने ट्रांसलेशन करवाई है या की हुई है
और आपको उसकी एक ही बुक वो मानी जाएगी, बेशक वो किसी और पब्लिशर से पब्लिश हुई है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो एक ही बुक कंसीडर की जाती है। तो ये हो गया आपका बुक्स की डिटेल, ये बुक्स की डिटेल आपने टाइप कर लेनी है, टोटल ईयर भर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो। एक जो यहाँ पर मिस है, एक चीज और ऐड कर लीजिए, जैसे एक मैंने लैंग्वेज करवाई है ऐड, लैंग्वेज है, एक ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ईयर हाँ ईयर नहीं है, यहाँ पर आप ईयर डाल लीजिए साथ में ये लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज बेशक डाल लीजिए, अगर स्पेस नहीं है ईयर ऑफ पब्लिकेशन जरूर डालना है, ठीक है। 2004 में मान लीजिए मेरी, 2007 में पब्लिश हुई है, ठीक है, ये 8 में पब्लिश हुई है, 9 में है, 10 में है, तो जब भी जो पब्लिश हुई है उसकी इंफॉर्मेशन ये देनी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी यहाँ पर भी देना जरूरी है, ये यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये ओके है। ये क्यों देना जरूरी है, क्योंकि इसको जरा ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर चलते हैं, देखिए यूजीसी रेगुलेशन जो है 2010, 2013, 2016, 2018, तो ये जो 2000 एपीआई स्कोर है यहाँ पर जो था, अगर इस ए, ए, इस पीरियड में आपके पब्लिकेशन है तो हो सकता है कि इसके वाइज आपकी एपीआई की कैलकुलेशन स्कोर की हो स्कोर, ठीक है। तो जब ये नॉर्म्स चेंज हो गए तो यहाँ पर छपी है आपकी बुक या जर्नल जो भी है वो कैलकुलेशन इसके अनुसार होगी, अगर 16 और 18 के बीच में है तो वो इसके अनुसार होगी, अगर रिसेंटली है तो 18 के बाद यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। तो ईयर वाइज जो चेंजेस आते रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर एपीआई स्कोर को कैलकुलेट करना हुआ तो दैट इज वाई आपको पब्लिकेशन में उसकी जानकारी देनी जरूरी है, दैट इज वाई बुक्स में भी, यहां मैंने नहीं दी बुक्स में, और आप जो जर्नल्स हैं आपके उसमें आप ये जरूर जानकारी दीजिए। इसके अलावा और कोई पब्लिकेशन है आपका, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में आपकी पब्लिकेशन है तो उसको भी साथ में अटैच नहीं करना, उसकी लिस्ट बनानी है ये हर, और इसके अलावा और भी कोई मैगजीन में है, कोई भी आपको लगता है कि वैल्यूएबल है टीचिंग या इस पोस्ट के लिए, तो आप उसकी लिस्ट बनाएंगे, उसको भेजेंगे नहीं साथ में। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है कि आप ऐसी कंट्रीब्यूशन कर चुके हो जो कर सकते हो, आपकी स्किल की है बेशक, ठीक है, बाद में पीछे की है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी साथ में अटैच, उसका जो सर्टिफिकेट है साथ में अटैच कर सकते हो। बायोडाटा के अनुसार भी देख सकते हैं कि क्या अटैचमेंट को एक्स्ट्रा करना है नहीं, ये सब कुछ हो चुका है, एकेडमिक रिकॉर्ड हो चुका है, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका, हाँ सर्टिफिकेट अटैच होने हैं आपके, जो आपको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसका सर्टिफिकेट अगर कोई है आपके पास, वैसे तो वो पीएचडी का ही है, वही अटैच होना है, ठीक है। रिसर्च एक्सपीरियंस पोस्ट डॉक्टरेट, वो रजिस्ट्रेशन लेटर जो आप करवा रहे हो रिसर्च गाइडेंस में उसमें आएंगे, एमफिल के उसके भी आपका एक्सपीरियंस होगा, एमफिल मास्टर डिग्री एमबेड किसी को आपने रिसर्च गाइड किया है उसके आएंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल हुआ है जहां उसका कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपके नाम पर वो प्रोजेक्ट मिला है, आप ऑथर मेन हो जो हो जहां एसोसिएट हो, रिसर्च अवार्ड या रिकग्निशन या उसका सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन की लिस्ट कुछ अटैच नहीं होना, एक लिस्ट बुक्स की, रिसर्च पेपर की और अदर पब्लिकेशन की, ये भी बात हो चुकी है, एनी अदर डिस्टिंक्शन और अवार्ड, अगर आपकी डिस्टिंक्शन से 70+ मार्क्स है किसी में या गोल्ड मेडल है, ये बात, दैट इज ऑल। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो क्वारी हो आप पूछ सकते हो, ये आपने इसको बल्कि नहीं बनाना, इम्पॉर्टेंट वो डॉक्यूमेंट वो वाले हम लगा रहे हैं जो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद जो एडिशनल है हाँ प्रिंसिपलशिप में वो जरूरी है बेशक, बुक्स पब्लिकेशन जर्नल और जो अदर पब्लिकेशन है आपकी जर्नल मैगजीन न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो उसकी लिस्ट ही जाएगी, वो लिस्ट कैसे बननी है आपने देख ली है, वो बना के आप अटैच कर सकते, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू।